तो हेलो, कैसे हो भाइयों और उसकी बहनों। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। ये फिर आ गया। जी हाँ, वापस आ गए हूँ आप सभी को रुलाने के लिए। नहीं, सॉरी, हंसाने के लिए। थोड़ा सा गलती से इधर उधर हो जाता हूँ, तो गलती ना हो इसलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्ले पे। और चलिए आगे भी प्ले, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम खेलने वाले हैं आइसक्रीम। ये बेसिकली हॉरर गेम है, तो आइए चलिए देखते हैं। नाउ लुक एट द विंडो, प्रेस ओके। विंडो कहाँ पे है? ओके, यहाँ पे ही है विंडो। ओके, खोलते हैं। अरे बच्चा जा रहा है, ये मेरा फ्रेंड है आई थिंक। ऐसे ऐसे मोटे मोटे मेरे रियल लाइफ में भी फैन है, मतलब फ्रेंड्स है मेरे। ओके भाई साहब, ये क्या कर रहा है? आइसक्रीम लेने जा रहा है। अच्छा, अच्छी बात है, मेरे लिए भी ले आना दो आइसक्रीम। हाँ, अरे हे भगवान, ये क्या है बे? अरे यार, अरे मेरे को देख लिया क्या? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। ना, मेरे को ना देखना। अरे मेरे को ना मेरे फ्रेंड को बचाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दैट भी। अरे भाई भाई भाई, रस्सी कहाँ से ढूंढू मैं? यहाँ पे लिखा आ रहा है कि रस्सी ढूंढो। अरे कहाँ पे है रस्सी? ओके मिल गई, मिल गई, रोप मिल गई। ओके यहाँ से क्या करूँ मैं? यहाँ से कूदना है क्या मेरे को? अरे भाई भाई भाई, देख लेता हूँ कोई और सामान मेरे को मिले तो अच्छी बात है, वरना ना, मतलब अच्छी बात है कुछ और मेरे को सामान मिल जाए तो। नहीं, फिलहाल तो नहीं मिला, तो प्लीज़ भगवान मेरे को बचा लीजिए। चलिए चलते हैं, भगवान मेरी हेल्प करना इस गेम में, मैं कहीं पे मरूँ ना और ये आइस मैन मेरे को ढूंढ ना पाए। ओके यहाँ पे मेरे को छुपने को बोल रहा है, तो मैं छुप गया हूँ भाई साहब। अरे भाई, ये तो गीत गा रहा है, मतलब ये तो सॉन्ग मतलब गाया जा रहा है गीत भाई साहब। मज़े है इसको, मतलब पता ही नहीं इसने एक बच्चे को अगवा किया है भाई, फिर भी पता नहीं है क्यों मीठे मीठे गीत गाए जा रहा है साला सांड कहीं का। कोई नहीं, मेरे को लगता है इसने ना कुछ गिरा दिया है, वो मेरे को लेना है। ओके इसने ना एक मैप गिरा है, यहाँ पे लिखा रहा है। ओके तो ले लेता हूँ इस मैप को और चलता हूँ गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ही मेरा दोस्त होगा। मेरा दोस्त यहाँ पे, अरे भाई पीछे ही उसको पिंजरे में कैद कर दिया है। बट ये क्या है? अरे भाई यहाँ तो लोकेशन वगैरह आ रहा है। ओके मैंने भाई जल्दबाजी में कुछ ना कुछ क्लिक कर दिया है भाई। रात भी हो गई है भाई साहब, रात होने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट स्टॉप कैफेटेरिया। भाई साहब मैं कैफेटेरिया के अंदर अब पहुंच चुका हूँ भाई। इस आइसक्रीम वाले अंकल से ना, इस सांड से मेरे को बचना पड़ेगा ज़िंदगी के अंदर। तो आइए चलिए भाई साहब, कहाँ पे है? अरे भाई ये कहाँ पे मैं फंस चुका हूँ? ये कुछ एक तो भाई मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। अरे भाई अंदर वो ना आइसक्रीम मैन अंदर है, आपको अभी दिखाता हूँ। दिखा अब भाई साहब, उसको जाने दो, जाने दो भाई। मीठे मीठे गीत गाए जा और मेरे को ना दिखा जा, प्लीज़ मेरे को मत दिखना भाई साहब। इधर बैठ जाता हूँ। इसके अंदर क्या है? अरे इसके क्या बात है भाई, कूड़े को भी मेरे को चेक करना पड़ेगा और मेरे को इस दोस्त को मैं यहाँ से निकालना पड़ेगा। नथिंग, ओके। अरे भाई वो आइसक्रीम वाला अंकल आ गया। भाई साहब कहाँ से जाऊँ, कहाँ से जाऊँ? वो इस ओर आएगा तो मैं इस ओर से चला जाऊँगा। अरे बेटे मेरे पास IQ 100 है, क्या बोलूँ मैं? अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे? मैं वही सोच रहा हूँ, मैं यहाँ गाड़ी के पास रहता हूँ भाई, यहाँ ऊपर चढ़ जाता हूँ। ऊपर क्या मेरे को पकड़ लेगा क्या ये? हाँ, अरे चला गया क्या? नहीं नहीं, तो गाइज उससे मैं पीछा छुड़ा के यहाँ पे आ चुका हूँ भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा मेरे को पीछा कर रहा था वो। अभी मैं कचरे के ढेर मतलब डब्बे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को कुछ चीज़ें मिल सकती है और मेरे को मिल गई, थैंक यू भगवान। ओके कैश रजिस्टर का ये जो था वो, अरे भाई उसने देख लिया भाई, ये तो अनलॉक हो गया। बट क्या करूँ मैं, उसने साले ने देख लिया। आजा 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 सांड आजा, मेरे को पता था तूने देख लिया है। इसको करता हूँ, इसको ड्रॉप करता हूँ और इधर से निकलता हूँ भाई। क्या करूँ मैं भाई, इसका अलग ही जलवा है भाई। मेरे को देख लेता है तो साला आ जाता है मेरे से मुठभेड़ करने के लिए भाई। इससे ना मैं मुठभेड़ कर भी लूँ बट थोड़ी बहुत चोट हमें भी लगेगी इसलिए भाई। ओके भाई मैं बार बार उसे ना पीछा छुड़ा के यहाँ पे आ गया हूँ। ओके यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मेरे सर्वाइवल के लिए, कुछ भी चीज़ें हो तो मेरे को चाहिए प्लीज़। इसके अंदर कुछ है बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं है। ऑयल, ओके भाई ऑयल मिल गया है। इसको मैं गाड़ी पे रख के आता हूँ, हमारी गाड़ी पे रख के आता हूँ। ओके गाड़ी पास में ही है। ओके चलिए ड्रॉप करते हैं। ओके मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, इसका मतलब उसको यहाँ पे आवाज़ आई होगी, तो भाई वो गया होगा वहाँ पे जहाँ पे ऑयल मैंने गिराया, वहाँ पे वो गया होगा। बट नहीं, वो हमारे पीछे है अब, मेरे को अब लग रहा है ऐसा। ओके आजा आजा आजा, ये बहुत बढ़िया है। इसको मैं कन्फ्यूज़ करता हूँ और निकल जाता हूँ भाई। मैंने उससे बहुत ज़्यादा पीछा छुड़ाया। ओके यहाँ पे अभी पॉल की ड्यूटी है। इसका क्या मतलब है पॉल की ड्यूटी का? पता नहीं, पॉल नाम याद रखेगा भाई तेरा मैं।
ओके इसके अंदर से मैं वो ना सिक्का कुछ इधर खुला हुआ था, ओके यहाँ से मेरे को कॉइन लेना है, ओके ले लेता हूँ कॉइन और जैसे निकलता हूँ। मैंने इसका कैफेटेरिया का ना चप्पा चप्पा छान मारा है, कुछ मेरे को नहीं मिला है, तो यहाँ से अब निकलते हैं। यहाँ पे कुछ अब है नहीं, एक दो दरवाजे लॉक है, पता नहीं वो कैसे खुलेंगे, मेरे को आइडिया नहीं है, सच बोलूँ तो मेरा आइडिया नहीं है। मैं फिलहाल जा रहा हूँ प्ले ग्राउंड पर। यस गाइज, भाई साहब ना जिंदगी के मज़े आ गए मेरे को, इस कॉइन का मतलब यूज़ क्या है मेरे को पता चला। भाई आप भी मतलब मज़े आ जाएंगे, इस कॉइन को मैं यहाँ से डालूंगा ना तो मुझे ना क्या मिलेगा पता है आपको, मुझे मिलेगी गन जिससे मैं मार सकता हूँ इस आइसमैन को। यस इस सांड को मैं फाइनली मारूंगा। यस आ गई गन, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यस मजे आ गए, मजे आ गए, बट अभी ना इस गन का मैं यूज़ नहीं करूँगा, थोड़ी देर के लिए इसको शांत रखता हूँ क्योंकि मेरे को और बहुत थोड़े बहुत टास्क करने हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। इस ऑयल का यूज़ मेरे को भी अभी पता चला, यहाँ नीचे एक मतलब खुफिया रास्ता है भाई, आप समझ रहे हो, खुफिया रास्ता है। तो यहाँ से आप जाएंगे ना तो यहाँ पे ये जाली मिलेगी, इस जाली पर आपको ऑयल करना पड़ेगा क्योंकि ये जाम हो गई है, तभी ये दरवाज़ा खुल पाएगा। इसके पीछे ना मेरे को फ्यूल मतलब भरना पड़ेगा, तभी वहाँ से मेरे को ये पास वगैरह मिलेंगे। आपको मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हाँ बाद में आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरे को फ्यूल भरने को बोल रहा है, तो मैंने कहा ठीक है फ्यूल बाद में भर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं वापस आ गया, फ्यूल का यूज़ यहाँ पे हो गया और मैंने गाड़ी पे वापस फ्यूल को रख भी दिया। मेरा दोस्त यहाँ पे पिंजरे पे है, मैंने इसको किया इग्नोर और चला गया, पता है कहाँ पे? आपको पता भी नहीं होगा वहाँ पे मैं गया हूँ। जैसे हम पहली बार जा रहा है स्टेल, यस मतलब ये इसका घर ही है, ये जो आइसमैन है ना उसका ये घर है, आप चाहे जो भी बोलो इसका ये घर है। देखो साला यहाँ पे खड़ा है, अभी मेरे को यहाँ से मिलेगा फ्यूल क्योंकि मेरे को वहाँ पे फ्यूल भरना फिलअप करना है। अभी जो ऑप्शन आ रहा था पेट्रोल, ओके मैंने पेट्रोल उठा लिया है भाई, उसको मैंने बहुत ही कंफ्यूज कर दिया, एक पूरा गोल राउंड मैंने उसको भाई घुमा दिया है और मैं गाड़ी पर बैठ के निकल भी गया। यस मैं सीधा गया हूँ फिर से प्लेग्राउंड पर, क्योंकि गाइस वहाँ पे ना आपको पता ही है कहाँ पे मेरे को, जब अभी मेरे को पता चला कि वहाँ पे मतलब फ्यूल फिलअप करना है तो मैं सीधा वहीं पे जाऊँगा और फ्यूल ना फिलअप करके मतलब कर लूँगा। यस और हमारा काम हो जाएगा। फिर मेरे को वो थोड़े बहुत और भी टास्क करने हैं, इस जगह से मैं निकलूँगा, मेरे साथ को मेरे जो फ्रेंड है वो फंसा है उसको भी मैं कैसे भी करके निकाल के तो लूँगा ही लूँगा। फिलहाल मेरे को इसमें मज़े आ रहे हैं सच बोलूँ तो भाई, ऐसे कहाँ मतलब पाइप से जाना है पाइप से आना है, मज़े है। ओके फिलहाल आराम से फ्यूल फिलअप करते हैं, यहाँ फ्यूल भरने से क्या फ़ायदा होगा मेरे को मालूम नहीं है। फिलहाल इसने कहा भरना है तो भर देता हूँ मैं और फ्यूल को भी रख देता हूँ, पता नहीं कहीं पे भी काम आ सकता है भाई, फ्यूल है भाई ज़िंदगी मतलब ये कभी भी कहीं पे भी काम आ सकता है। तो फिलहाल इसको रखते हैं, गाड़ी पे रख लेते हैं क्योंकि आगे बहुत हमें मतलब काम तो आएगा ही आएगा। ओके भाई मैं अब जा रहा हूँ प्ले एरिया के इस इलाके में, यहाँ पे मैं अभी भी गया ही नहीं हूँ। ओ भाई यहाँ पे ये क्या है बे, भाई साहब ये मशीन है, इस मशीन को मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी यहाँ से रास्ता ओपन होगा। ओके भाई यहाँ पे ना टास्क है भाई, मज़े आएंगे टास्क करने में। ओके इस बटन को दबाता हूँ, बहुत बढ़िया, वो नीचे रास्ता नहीं बना। इस बटन को दबाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बहुत बढ़िया रास्ता नहीं बना। एक और बार रास्ता फिर से नहीं बना, एक और बार करते हैं। हाँ बंद करो, अब इसमें बंद कैसे करूँ भाई, हो जाना भाई, हो जाएगा होएगा कैसे नहीं होएगा। हाँ देखा ना हो गया, बंद किया होता तो ये रास्ता नहीं खुलता, अगर बंद किया होता तो ये रास्ता नहीं खुलता। बहुत ही बढ़िया, मैंने बहुत ही अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया है। तो आइए यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे छानबीन करते हैं सीआईडी की तरह, यहाँ कुछ ना कुछ तो सबूत ज़रूर ही ज़रूर मिलेगा, तो आइए चलते हैं। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक और है तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया उम्दा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ओके एक और यहाँ पे है, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, या पीछे भी और होगा कुछ ना कुछ, बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके यहाँ पे गाइड का मतलब गार्ड का वो है भाई, ऑफिस की मेरे को मिल चुकी है, इसका यूज़ क्या है, फिलहाल ले लेते हैं। ओबे ऑफिस की का हम का क्या मतलब है, ऑफिस की अपनी मतलब ले लेते हैं, गाड़ी पर रख देते हैं ऑफिस का, वो मतलब ऑफिस की का मैं क्या ही करूँगा। हाँ चलो चलते हैं गाड़ी के पास। ओके मैं अब जा रहा हूँ नीचे पार्किंग में क्योंकि अभी तक मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, और आपको पता है मैं वहाँ पे जाके क्या करने वाला हूँ, आप सभी का जिसका था इंतज़ार उस चीज़ को मैं निकालने वाला हूँ। यस
फिलहाल पार्किंग में चलते हैं। ओके पहुंच भी गया है। ओके भाई साहब, अब ऑफिस की जो है उसका यूज़ मेरे को पता नहीं है। ये पार्किंग ना बहुत ही बड़ा है, आपको मैं कसम से बोल रहा हूँ बहुत ही बड़ा है। तो इसके लिए मेरे को इस चीज़ का इस चीज़ का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट पहले इसको ना यहाँ पे इसे यहाँ से मारूंगा पचाक से। अरे खुल गया ना दरवाज़ा। ओके अब मेरे को ना ऑफिस की से ना इसको रख देता हूँ और मेरे को ऑफिस की फिर से हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि भाई मेरे को सभी दरवाज़े ख़त्म मतलब अच्छी तरह से खोलने पड़ेंगे। ऑफिस की हाथ में नहीं होगी तो वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ऐसी दिक्कत भरी दास्तान है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मतलब सही रास्ता है। एक एक को चेक करना है। भाई साहब मैं थक चुका हूँ भाई ये ऑफिस का चेक करते करते। भाई कितने मतलब ये कितना बड़ा पार्किंग है। फिलहाल ना फ्यूल भर देता हूँ, इसमें मेरे को अभी ऑप्शन आया था कि यहाँ पे फ्यूल भरना है, तो फिलहाल मैं अभी भर देता हूँ। सच बात तो ये है कि मैं वो ऑफिस की लेके थक चुका था, कसम से बोल रहा हूँ थक चुका था, लिटरली थक चुका था। भाई इस पेट्रोल को ले लेता हूँ, पता नहीं आगे कहाँ पे काम आ जाए। ये दूसरी बार काम आया इसलिए ये तीसरी बार भी आई थिंक हो सकता है। फिलहाल मैं ले लेता हूँ इस चीज़ को ऑफिस की को और फिर से करते हैं यस गाइस, फिर से ढूंढते हैं कहाँ पे है ये ऑफिस, मतलब कहाँ पे ये लगेगी ऑफिस की। तो आइए चलिए फिर से चेकआउट करते हैं। अरे यार कब से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा है। बट बंद करो। अरे भाई बंद कैसे करूँ, एक तो ये सांड मेरे पीछे पड़ा है, इसको ना मेरे को मैंने इसको क्या बताया आपको बोला, इसको बोला मैंने ए विलन स्माइल। साला बुरा मान गया और पीछे पड़ गया। भाई क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। साला आ रहा है, आ जा साले, नीचे ही बुला रहा हूँ। ये जिसे नीचे जाएंगा मैं फटाक से ऊपर चला जाऊंगा। यस, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। जी हाँ बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए मेरे लिए। कोई नहीं, जिंदगी में तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट कोई नहीं। फिलहाल मतलब अच्छी बात यह है कि वो हमारे पीछे नहीं पड़ा है, बुरी बात यह है कि हमको फिर से ऑफिस ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे ऑफिस की कहाँ पे लगने वाली है, फिर से हमको वो ढूंढना पड़ेगा। तो आइए चलिए फिर से ढूंढते हैं। ओके तो फाइनली मेरे को ये मिल चुका है। यस थैंक यू भगवान, थैंक यू वेरी मच। ओके यहाँ से मेरे को अब क्या करना है। ओके ये क्या है, ब्रीफकेस। ओके इसमें ओ भाई पॉल ड्यूटी पे था ना, ओ भाई इसका मतलब कि पॉल का आईडी कार्ड ही मेरे को भाई वहाँ पे डालना पड़ेगा। ओ शीट भाई इतना मतलब बिग ब्रांड भाई, मैंने अच्छा हुआ उस कोर्ट को देखा भाई, उसमें पॉल का नाम लिखा था। अब मेरे को समझा भाई आपको समझाता हूँ भाई, आपको मैं समझाता हूँ। फिलहाल मैं चलता हूँ नीचे जाके मेरे को वैन के पास जाना है भाई, प्लीज़ मेरे को जाना है। अरे रास्ता काम मैं भूल जाता हूँ भाई, ये सांड एक तो पीछे पड़ा है भाई, क्या बोलूँ मैं। ओके तो अब मैं समझाता हूँ। वहाँ पे पता है आपको कैफेटेरिया में वहाँ पे वो एक कपड़ा मतलब लिपटा हुआ था, उस पर लिखा था कि पोल ड्यूटी पर है, उसका मतलब है पोल ड्यूटी पर है तो उसका ही कार्ड चलेगा। फिलहाल वो वक्त आ चुका है जिसका मेरे को था इंतज़ार पर्सनली। अब मेरे को भाई कोई नहीं रोक सकता, अब मेरे को निकालना ही पड़ेगा अपना खुफिया हथियार। आप सोच रहे हो खुफिया हथियार कालास निकालो। जी हाँ गाइस कालास निकालो। यह सपना मतलब मेरे को मेरी अपनी गन निकाली और इस आइसमैन को मैं इतना चूर चूर करके मारूंगा उसने कभी सोची नहीं होगी। आ जा अरे हटा सावन की घटा अपना चला। एक बुलेट मैंने मिस कर दी बट क्या करे। हाँ कालास निकाबो है और मैं ये क्या चीज़ें उठा रहा हूँ, मेरे को ये कार्ड उठाना है। ओके आईडी कार्ड, यस आईडी कार्ड उठा लिया है मैंने। ओके इसको लगाना है किधर, ओके इधर। ओके खुल जा सेम। ओके खुल गया बेटे, भाई मज़ा आ गया। कालास निकाबो क्या ही चीज़ है, रुको इस आईडी कार्ड को रख देता हूँ, पता नहीं आगे कहीं पे भी काम आ सकता है, मैं तो इसको रख देता हूँ यहाँ पे। ओके हो रहा अब अंदर चलता हूँ मैं कहाँ जिंदगी में, ये दरवाज़ा। ओके ये सारे दरवाजे अब अनलॉक हो गए, पहले खुल नहीं रहे थे अब खुल चुके हैं। कोई नहीं ये क्या है, यहाँ पे नीचे जा सकते हैं क्या। ओके नीचे जा गए मतलब नीचे ही जाना है मेरे को। ओके यहाँ पे की पड़ी है, कौन सी की है, स्टोरेज की। इसका यूज़ क्या है मेरे को मालूम नहीं है, स्टोरेज की। ओके स्टोरेज की का मतलब कसम से मेरे को क्या उपयोग है मेरे को मालूम नहीं है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे है भी नहीं,
एक की के लिए हमने इतना तामझाम किया क्या? हाँ लग तो ऐसा ही रहा है, कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज की मतलब स्टोरेज है तो मेरे को लगता है पार्किंग में ही कुछ ना कुछ है, तो इसलिए मैं पार्किंग में फिर से आ गया हूँ, क्योंकि पार्किंग में ही कुछ मुठभेड़ होगी। मतलब स्टोरेज यहाँ पे स्टोरेज मतलब ज़्यादा रहे, मतलब ज़्यादा इधर स्पेस है, तो मेरे को लगता है इसकी का उपयोग यहाँ पे ही होगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ये अपनी फरारी लेके, और चले चलते इस फरारी का मेरे को पता चल गया क्या यूज़ है। भाई साहब इसका, भाई इसका जो है हैंडलिंग है इतना बकवास वाहियात है, क्या बोलूँ मैं, कंट्रोल नहीं हो पाती है मेरे से, भाई क्या बोलूँ। देखो 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 भाई साहब, इधर ठोकनी है ठोकनी है, यस तोड़ना है ये सब, इसे तोड़ना है, यहाँ इस जगह को मेरे को ना तोड़ना है, उस साइड से भी तोड़ के आता हूँ। रुको रुको आ रहा हूँ साले आ रहा हूँ, मेरे को इसको तोड़ना है, उस दीवार को तोड़ूंगा तो मेरे को एक रास्ता मिल जाएगा यहाँ पे अंदर जाने का। और मेरे को लगता है कि स्टोरेज की यहीं कहीं यूज़ नहीं होनी है, देखते हैं कहाँ पे यूज़ होनी है स्टोरेज की, देखते हैं। भाई 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 वो भी पीछे पड़ गया, वो खुला सांड भी पीछे ही पड़ा है, बट कोई नहीं बापू हलवा थोड़ी हूँ, पीछे ले लिए मैंने, चलिए चलते हैं। भाई साहब भाई क्या ही तोड़ दिया है भाई मैंने, क्या ही तोड़ा है भाई। भाई निकलो निकलो अभी इधर से, मेरे को ना निकलना चाहिए भाई साहब, वो आइसमैन मतलब लगता है कि आ ना जाए भाई, बस भाई क्या ही चलाने में वैसे तो मज़ा आ रहा है, ये ना मेरे को नोबिता की फील ज़्यादा ही दे रहा है, ये मेरे को लगता है कि ये नोबिता है भाई, कसम से बोल रहा हूँ। अरे भाई 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 भाई, भाई क्या ही कंट्रोल है, कंट्रोल तो है भाई, अब चाहे जो भी बोलो कंट्रोल तो मेरा ही है ज़िंदगी में, अब क्या ही कर सकते हो आप। ओके 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 भाई मैं बस पहुँच जाऊँ भाई, प्लीज़ भगवान मेरे को यहाँ पे पहुँचा दीजिए। ओके गाड़ी के पास मैं पहुँच भी गया हूँ, उतर अब। ओके ओके भाई साहब धुआं धुआं कर दिया भाई, ज़िंदगी धुआं धुआं। अरे भाई भाई काला स्नेक वागो वो उठाऊँ या फिर इसकी को, नहीं नहीं इसकी को उठाना है भाई, प्लीज़ इसकी को उठाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। भाई ये की कहाँ पे यूज़ होनी है मेरे को मालूम नहीं है। ओके यहाँ पे आता है इसका मतलब, यस यहाँ पे ही है, अब यहाँ से मेरे को क्या लेना है मेरे को मालूम नहीं है। ओके इसके भी ऊपर ही हाथ आ रहा है, ओके इसको लेते हैं और ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर ही अब एक जो रास्ता था वही खुला था, जो हमने अभी अभी ना गड्डी लेके वो ना तोड़ा, वही एक रास्ता है भाई। मेरे ख्याल से मेरे को वहीं पर जाना है और थोड़ा कोहराम मचा के आना है। ओके ओके यहाँ से चल जाते हैं नीचे की ओर, ओके इसको अब खोलते हैं, खुल जा सेम सेम। अरे भाई भाई चलो 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 भाई, वो पीछे ही है भाई, वो पीछे ही है मेरे, इसको तोड़ना ही पड़ेगा मेरे को लगता है, ये टूटा। अरे मैं भी गिरा, ओ भाई 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 वो ऊपर से नीचे ना गिरे, वो साला सांड नीचे ना गिरे भाई, प्लीज़ प्लीज़ भगवान इसको बोल दो कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। एक मिनट भाई साहब, ये इधर से मैं निकलूँगा कैसे भाई, ज़िंदगी वाट लग जाएगी, इस बुक के अंदर कुछ है, बट इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, अगर कैसे आपको पढ़ना है तो ये पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ओके फिलहाल मेरे को इसको मिला, इसका मैं क्या यूज़ करूँगा, अब इसको फेंकना ही पड़ेगा। रुको रुको इस कबाड़ के अंदर क्या है, ओके इस कबाड़ के अंदर एक ये बक्सा है, ओके उसके अंदर केज की, ओ भाई इसका मतलब जिस पिंजरे में मेरा फ्रेंड है ना वो केज की, इसलिए मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ भाई, उसमें मतलब केज की चाहिए तभी वो खुलेगा भाई, इसका मतलब ये एस्केप ये गेम का एंड। भाई साहब इसका भाई क्या बोलूँ मैं, इतनी खुशी तो मेरे आज तक नहीं हुई, फिलहाल मैं निकल नहीं रहा हूँ यहाँ से, ये खुशी में नहीं निकल पा रहा हूँ, क्या करूँ, मेरे को लगता है चाबी को फेंकना होगा तभी मैं ऊपर चढ़ पाऊँगा। ओ भाई चढ़ गया, अरे भाई 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 ये भी आ गया। ओके तो भाई मेरे को लगता है ना ये फंस चुका है, ये आके भी ना ये कुछ मेरे को कर नहीं सकता, वैसे भी आइसक्रीम मैन तेरा वैसे भी टाइम अब ख़त्म है भाई, वैसे भी तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसे भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे बापू हलवा थोड़ी हूँ, हाँ कोई नहीं चलते है भाई, ये किस जगह पे मैंने की, भाई मिल गई भाई, आ ही नहीं रही थी वो की भी। ओके भाई फाइनली हम हो चुके हैं एस्केप, यस फिलहाल जाता हूँ फुल रफ्तार से। भाई साहब मज़े ही मज़े आ गए भाई, मज़े भाई, आखिरकार मेरा दोस्त अब आज़ाद हो ही गया भाई साहब, मैं गया अपने घर भाई साहब, मज़े आ गए इस गेम को खेल के, मज़े आ गए बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी सी हार्ड थी गेम बट इतनी भी हार्ड नहीं भाई। देखो ये मेरा दोस्त, ओके मैंने ताला खोल दिया, दोस्त को आज़ाद किया। भाई कितनी देर से भाई तू यहाँ पे पड़ा है भाई, क्या तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, हे भगवान ये क्या कर रहा है, ये तो भाई बहुत ही साणा बंदा है भाई, चलती गाड़ी से उतर गया भाई, और मैं भी साणा ही हूँ भाई, क्या ही बोलूँ मैं। अरे भाई आखिरकार ये गेम एंड हो चुकी है भाई, मज़े आ गए भाई, मज़े ही मज़े, क्या बोलूँ भाई। ओके तालियां बोल रहा है, मतलब तालियां बजा रहा है भाई मेरे लिए, उसने ये क्या है मेरे लिए गिफ्ट, उसने चुरा लिया क्या उस गाड़ी से, भाई भाई क्या ही शैतान बच्चे थे। तो
आज की वीडियो में ना मैं बस इतना ही रखना चाहता हूँ क्योंकि गेम ही अब एंड हो चुकी, तो मैं क्या करूँगा। तो गाइज आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।